कंप्लीट ब्लड काउंट कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ ए रूटीन टेस्ट यूज टू एवल द कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स यानी कंप्लीट ब्लड काउंट्स में हम सेल्स की कम, आ, जो कंपोजिशन है ब्लड की वो स्टडी करते हैं इसमें कौन कौन से हैं नंबर वन हेमोग्लोबिन यानी एच बी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डी एल सी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डी एल सी रेड ब्लड सेल्स आर बी सीज पैक सेल वॉल्यूम यानी पी सी बी मीन सेल वॉल्यूम यानी एम सी बी मेन सेल हेमोग्लोबिन यानी एम सी एच मेन सेल हेमोग्लोबीन एटेजेक्ट्रा नंबर फर्स्ट पे अब हम स्टडी करते हैं हैंमोग्लोबीन यानी एच बी फंक्शन किया है इसकी ट्रांसपोर्ट ओ टू फ्राम द लंग्स टू टिशू एंड टू ट्रांसपोर्ट सी ओ टू फ्राम टिशू टू लंग्स यानी एच बी की फंक्शंस क्या है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स से टिशू तक और टिशू से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स को नॉर्मल रेंज इसकी क्या है थर्टीन पॉइंट जीरो एम जी पर डे सीटर टू सिक्सटीन पॉइंट जीरो एम जी पर डे सी लीटर इन मेल एंड ट्वेल्व पॉइंट जीरो एम जी पर डे सीटर टू फिफ्टीन पॉइंट जीरो एम जी पर डे सीटर इन फीमेल ओलीसाइटीमिया मोर दैन सेवनटीन पॉइंट जीरो एम जी पर डीसी लीटर इन मेल एंड मोर दैन सिक्सटीन पॉइंट जीरो एम जी पर डीसी लीटर इन फीमेल यानी जब एच बी ज्यादा हो नॉर्मल से तो उसको हम पुलिस ऐतिमिया कहते हैं अनीमिया लेस दैन ट्वेल्व एम जी पर डीसी लीटर इन मेल एंड लेस दैन एलेवन एम जी पर डीसी लीटर इन फीमेल यानी जब एच बी की लेवल मेल में ट्वेल्व पॉइंट जीरो एम जी पर डीसी से कम हो और फीमेल में लेस देन एलेवन पॉइंट जीरो एम जी पर डीसी से कम हो तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं अनिमिया कहते हैं यानी हेमोग्लोबिन यानी एचबी की लेवल मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होती है जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि एक नॉर्मल रेंज जो है मेल में ये थर्टीन से सिक्सटीन एम जी पर डीसी लीटर है और फीमेल में ट्वेल्व से फिफ्टीन एम जी पर डीसी लीटर है अगर इसी तरह मेल में एच बी की लेवल मोर देन सेवनटीन हो तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं पुलिस आइमिया कहते हैं और इसी तरह अगर फीमेल में मोर देन सिक्सटीन हो तो उस कंडीशंस को हम पुलिस आइमिया कहते हैं अब दूसरे नंबर पे क्या है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी टील सी फंक्शन इसकी क्या है दिस सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फिक्शियस डिजीज एंड फॉरन इन्वेडर्स यानी इसकी फंक्शन क्या है टील सी यानी टोटलाइड काउंट ये हमारे बॉडी में इम्यून सस्टम की काम करते हैं और ये हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कास्ट करते हैं या फ़ॉरन इन्वेडर्स एंटर होते हैं तो उससे हमारे बॉडी को बचाते हैंविंग ए हायर और लोअर नंबर ऑफ़ डब्ल्यू बी सीज में इंडिकेट इंडरलाइंग कंडीशन और अगर एस डब्ल्यू बी सी यानी टी सी की लेवल इंक्रीज़ होती है या कम होती है तो ये मुख्तलि हेल्थ कंडीशन इंडिकेट करते हैं नॉर्मल रेंज इसकी क्या है एडल्ट फोर थाउजेंड टू अवन थाउजेंड्स और टू टू सिक्स ईयर्स में कितनी होती है फाइव थाउजेंड टू नाइन न्यू बोर्न में इसकी लेवल कितनी होती है नाइन थाउजेंड्स टू थर्टी सेल्स फॉर यूएल इसकी जो नॉर्मल लेवल होती है ये भी मुख्तलिफ होती है जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि एडल्ट में या टू टू तो सिक्स ईयर्स चाइल्ड में और न्यू न्यूबॉर्न में इसी तरह टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी टील सी ल्योकोपिनिया वन डब्ल्यू बी सी काउंट लेस देन फोर थाउजेंड सेल्स स्लेशल ऑफ ब्लड यानी अगर फोर थाउजेंड्स से लेवल कम हो टील सी की किसी पेशेंट्स को तो उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं ल्योकोफीनिया कहते हैं इसकी काजिश क्या है कि मुतराफी एंड रेडिएशन एप्लास्टिक अनिमिया बोन मेरो ट्रांसप्लांट इन्फेक्श डिजीज़ एच आई वी एंड एड्स आटो इम्यून डिजार्डर्स एंड मॉल न्यूट्रिशन ये और मुख्तलिफ कंडीशन है जिसकी वजह से उंटी uh, की यानी काउंट काउंट की जो है है टोटल इसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है, इतने से से uh, cells, uh, blood, जब डब्ल्यूबीसी जब मोर देन इलेवन थाउजेंड हो तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं उसकी काजिज क्या है इन्फेक्शन और इन्फ्लमेशन प्रेगनेंसी बोन ट्यूमर सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया स्मोकिंग बर्न इंजरी यानी ये मुख्तु वो कंडीशन है जिसकी वजह से डब्ल्यू बी सी की लेवल जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ल्यूकोसाइटोस कहते हैं ये मुख्तलि कंडीशन ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया और इसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है ये इंक्रीज़ करते हैं डब्ल्यू बी सी लेवल्स को अब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डीएलसी डीएलसी में कौन कौन से सेल्स से से होते हैं न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स एसेनोफेल एंड बेसोफिल ये मुख्तिक फ़ाइव टाइप ऑफ सेल्स है जिसको कम्बाइनली हम क्या कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं और ये भी किस चीज़ की सेल्स है डब्ल्यू बी सी के सेल्स है जो अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअली और हर एक टाइप सेल्स की अपनी एक फंक्शन होती है जो हमारे बॉडी में सरंजाम देते हैं इसी तरह अब ये नंबर वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक सेल्स की कौन कौन से और फंक्शंस अदा करते हैं ईच टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज हैज़ ए स्पेसिफ़िक फंक्शन इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन वही बात है जिस तरह अभी हमने एक्सप्लेन किया कि ये हर टाइप सेल्स जो है ये क्या करते हैं ये डिफेंड करते हैं हमारे बॉडी को इस चीज़ के ख़िलाफ़ अगेंस्ट इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाते हैं और हर टाइप सेल्स जो है ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाते हैं यानी फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन पर हमने न्यूट्रोफ़िल एक्सप्लेन किया नंबर दो पे लिम्फोसाइट है तो न्यूट्रोफ़िल की फ़ंक्शंस अलग है इसी तरह लिम्फोसाइट्स की फ़ंक्शन अलग है मोनोसाइट की फ़ंक्शन अलग है सेनोफ़िल की फ़ंक्शंस अलग है और बेसोफ़िल की फ़ंक्शन अलग है